रोटी के बदले जन्नत। एक था बादशाह, उसे दुनिया की हर नेमत हासिल थी, लेकिन वो बड़ा मगरूर था और खुदा का शुक्र अदा नहीं करता था। उसकी बीवी मलका बड़ी नेक, रहमदिल और आजिज औरत थी। एक दफ़ा दरवेश दरबार में आया, वो भूखा था। उसने रोटी का सवाल किया, लेकिन बादशाह ने परवाह ना की और दरवेश को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दरवेश महल के करीब बैठकर घास, बच्चों की तरह घास फूस के घर बनाने लगा। इत्तफाक से मलका वहाँ पहुँची और दरवेश से पूछा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? दरवेश बोला, जन्नत बना रहा हूँ, एक रोटी के बदले खरीद लो। मलका ने दरवेश को रोटी दी और घास फूस का घर लेकर महल वापस गए। बादशाह को ये बात मालूम हुई तो मजाक उड़ाया। उसी रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी बाग जन्नत में तख्त पर बैठी हुई है। मलका को ये रोटी के बदले मिली थी। जब बादशाह की आँख खुली तो वो बहुत परेशान हुआ कि वो अपनी बीवी से हार गया। अब उसने कोशिश की बहुत से पैसे खर्च करके जन्नत खरीद लूँ, लेकिन शाही मुलाजम किसी दरवेश के पास ना भटकने देते। आखिर बादशाह खुद दरवेशों और फ़कीरों को तलाश करने लगा और इसी दरवेश के पास पहुंचा। बादशाह ने जन्नत खरीदने की ख्वाहिश की तो दरवेश ने बोला, 1,00,000 अशरफी कीमत बताई और कहा कि तुम जब मगरूर आदमी हो तो इसीलिए तुम्हें यही कीमत देनी होगी। तुम्हारी मलका रहमदिल और आजिज़ है, इसीलिए वो अनाम की हकदार हैं। ये कहकर दरवेश गायब हो गया। इसके बाद बादशाह की तबीयत बहुत बदल गई। अब वो एक नेक, रहमदिल और आजिज़ इंसान बन गया और जन्नत का हकदार।